शांति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा सदा शिव की सदा प्रसन्न रहने वाली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 दिसंबर 2021 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत मधुर गीत सुना रही हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पे चलें और बदी से टरें, ताकि हंसते हुए निकलें दम। यश जी। ओम शांति। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बहुत बहुत धन्यवाद। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत ही भावों से भरा हुआ गीत है। अभी हम मुरली का सारांश सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, अर्थात उत्तम आत्मा। इसी युग में आत्मा पुरुष से पुरुषोत्तम बनती है। राम जी के लिए भी कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम पुरुष हम बनते हैं। सतयुग त्रेता में सभी उत्तम पुरुष होते हैं, दैवी गुणों से संपन्न देवी देवता। पुरुषोत्तम बनाने वाला है परम पुरुष, परम पिता परमात्मा सदाशिव। आंतरिक खुशी में रहने के लिए हमेशा याद रखो,
परम पिता परमात्मा शिव ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं। विश्वनाथ भोला बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे। विश्व का मालिक वही बनेंगे जो इंद्रियों मन बुद्धि के मालिक बनेंगे, माया जीत बनेंगे। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्वात्माओं को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी की डेफिनेशन बाबा ने बताई, कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दें, केवल हमारे ओरिजिनल संस्कार वही दिखाई दें। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। हर समय आत्मिक स्वरूप दिखाई दे, सबको आत्मा रूप में देखें। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी आत्माएं। श्री का टाइटल देवी देवताओं का है, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आज के मानव को श्री का टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र हैं। भ्रष्टाचार है, दुराचार में फंसे हैं, विकृत मानस। श्री श्री का टाइटल वास्तव में एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप का है। सन्यासी भी अपने आप को श्री श्री का टाइटल नहीं दे सकते, किसी भी आत्मा को जगत गुरु का टाइटल भी नहीं दे सकते। जगत का सतगुरु तो एक केवल सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा ही है। दुनिया में भ्रष्टाचार फैला है, उसका कारण है पांच विकार। पांच विकार नर में, पांच विकार नारी में, यही रावण है। रावण के 10 सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वास्तव में यही विकार ही रावण कुंभकर्ण मेघनाथ दुर्योधन दुशासन कुछ भी कहिए, सबका प्रतीक है। जब तक ये रावण नहीं मरेगा तब तक श्रेष्ठाचारी राम राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। परम पिता परमात्मा शिव आए हैं काम आदि विकारों को भस्म करने के लिए। दिखाते हैं वहां शास्त्रों में कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो काम भस्म हो गया। ऐसे ही योग की अग्नि से ही ये विकार भस्म होंगे, तपस्या से ही ये विकार भस्म होंगे। अभी तो दुनिया वाले कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, जब लड़ाई लगेगी तब जागेंगे और जानेंगे कि राम की सेना तो द्वार पे खड़ी है। तो अभी कुंभकर्ण नहीं बनना है, बागवान भगवान शिव आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। विकारों के कांटे खत्म कर हमें खुशबूदार फूल बना देते हैं, वही हमारी नैया के खेवैया है। हमें इस पार कलयुग से उस पार सतयुग में ले जाते हैं। गुरबाणी में भी है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। उस परमात्मा की स्मृति ही जहाज की तरह है, जिस पर अगर हम चढ़ जाते हैं तो हम पार उतर जाते, इस पार से उस पार चले जाते। दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती हैं वो तमोगुणी हैं, वो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। विषय विकारों के कारण ये दुनिया बहुत विषैली बन चुकी है। परमात्मा आकर उसे शिवालय बनाते, विष को अमृत में कन्वर्ट करते। जहां पर संपूर्ण पवित्रता होती है वहां सुख शांति है, जहां अपवित्रता है वहां दुख और अशांति है। बाबा सभी बच्चों को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग की, लेकिन फिर भी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बन जाते हैं।
बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि पुरुषोत्तम बन सकें 100%। योग की सब्जेक्ट में बच्चे अभी कच्चे हैं, कमजोर हैं, उसमें अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए, याद का चार्ट रखना चाहिए, उससे उन्नति शीघ्र होगी। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। तुम भी बाप द्वारा समझ रहे हो और दूसरों को समझाते हो। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। मैं आता हूं तुम्हारा ज्ञान रत्नों द्वारा श्रृंगार करने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी बाद में सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी कनिष्ठ मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाएगी। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे नहीं सकता संसार में। ज्ञान सागर सदाशिव के सिवा नहीं तो निराकार को फिर नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या है, जब तक वो आके ज्ञान ना देवे। बाप कहते हैं, मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में, इनकी भ्रिकुटी में आकर बैठता हूं। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे मैं भी इनके ऑर्गन्स द्वारा आके समझाता हूं। तो हम बच्चों को आत्म अभियानी बनने का अभ्यास करना है। आज का स्लोगन है, देहभान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख चरित्र को देखो, चित्र को ना देख विचित्र को देखो, चित्र को ना देख चैतन्य को देखो। तो देहभान से पार जाने के लिए हमें किसी के नाम रूप को नहीं देखना है, उसमें बैठी चैतन्य आत्मा को देखना है, उसके श्रेष्ठ गुणों को देखना है, उसके चरित्रों को देखना है, श्रेष्ठ चरित्रों को। अगर हम ऐसा करेंगे तो देहभान से मुक्त होके हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से किलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। Shine.